अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची, लोहरदगा एवं गुमला जिला के कुल 24,000 पात्र आवास विहीन परिवारों के बीच अबुआ आवास योजना की स्वीकृति पत्र वितरण एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत 83 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को मिली सौगात। अबुआ आवास योजना के 29 लाख आवेदन मिले, जिसमें 20 लाख आवेदन पर स्वीकृति पत्र दी गई। शिक्षा का हम ऐसा दीपक जलाएंगे जो कभी बुझेगा नहीं। हर खेत में पानी, हर घर में रोजगार की दिशा में कार्य हुआ है। राज्य में 15,000 किलोमीटर सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री रामेश्वर उराव, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बरुआ, रासवा सांसद श्रीमती महुआ मांझी, विधायक शिल्पी नेहातिर की, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर, आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर दशरथ चंद्र दास, पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण तथा तीनों जिलों से पहुँचे लाभुक तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। अब आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुभारंभ आज आप लोग को हम बताएंगे। आज तो तीनों जिला से हमारे आए हैं। आज 24,000 का स्वीकृति पत्र हम लोग दे रहे हैं। आप लोग सोचते होते 24,000 और आवेदन आया है 29 लाख और उसमें जो सूची बना गया है 20 लाख। हम सभी को भाइयों बहनों को बताना चाहेंगे ये सरकार निराश होने नहीं देगी। ये सरकार आपके साथ है। 3 महीना के बाद 9 लाख एक साथ में दे देंगे झारखंड के अबुआ आवास। हम लोग जानते हैं इस झारखंड क्षेत्र के परिवार गांव का क्या परिस्थिति है। गांव में गर्मी के सीजन में धूप में चलने के साथ पैर में चप्पल नहीं है, बदन में गर्म कपड़ा नहीं है। ये दूर ये तकलीफ हम लोग को है। इसलिए हेमंत बाबू सोचो हम ये यहाँ का संसाधन से ही हम अब आवास देंगे और समय पर देंगे। 3 महीना बारह ज्यादा दिन नहीं है। 3 महीना के बाद ही आप लोग का फिर से 9 लाख परिवार को देंगे हम लोग। ये जो आज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आज झारखंड आज जो जंगल का बीच में गांव है, जंगल का नीचे में गांव है, नदी नाला किनारे गांव है, वर्षों से 40-50 किलोमीटर पैदल आकर रांची बाजार आते हैं। ये सरकार ये तय कर दिया हर जंगल का बीच तक ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पहुंचेगी और हर वृद्धा पेंशन, हर विधवा पेंशन, हर विद्यार्थी को आज इसमें चढ़ के अपना विद्यालय भी आएगा, अपना बाजार भी आएगा और फिर चल जाएगा वापस।
और जाना चाहते हैं अब हम लोग इस गाड़ी को दिया जो आज शुभारंभ हमारा गठबंधन सरकार पूरा ग्रामीण क्षेत्र में जाल की तरह बिछाने जा रहा है। 15,000 किलोमीटर रोड भी बनने जा रहा है, कोई भाषण नहीं कम शुरू हो चुका है। 15,000 किलोमीटर पूरा झारखंड में जाल की तरह बिछाने जा रहा है, जब उसी पर ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना अपना हर गांव तक पहुंचे। इसलिए इस बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए ही इस योजना के लकीर को हम लोग खींचे कि कैसे करके यहाँ का विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा मिले, हर परिवार में हम लोग, इसीलिए ये हम लोग करने गया है गुरुजी क्रेडिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, क्यों उसको लाना पड़ा। गांव में मैट्रिक करने के बाद गांव का उस विद्यार्थी का अभिभावक कहते मेरा बेटा पैसा नहीं है, कहीं कुछ काम कर लो। इसीलिए हम लोग ये क्रेडिट कार्ड लाया ताकि आप मैट्रिक होने के बाद कोई भी डिप्लोमा करे, इंजीनियर करे, मेडिकल पढ़ने के लिए चाहे 10 लाख लगे, चाहे 11 लाख लगे, चाहे 12 लाख, चाहे 15 लाख, बेटा आप पढ़ने मत छोड़िए, ये सरकार है आपके साथ, आप इच्छा सीता प्राप्त करके ले लीजिए और पढ़ के आ जाइए और आपका घर में हम शिक्षा का दिया जलाएंगे और वो दिया कोई बुता नहीं पाएगा, ये सरकार की सोचा है। कि आज इतना दिन के बाद झारखंड में आज यहाँ का आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग, यहाँ के अल्पसंख्यक क्या स्थिति में है, क्या कर दिया है। इसीलिए आदिवासी का धार्मिक स्थल साधना स्थल का सुंदरीकरण करने गया ताकि इसका सामाजिक व्यवस्था, इनका आस्था, इनका परंपरा को हमको जीवित करना है। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी नहीं कर सका आदिवासियों का परंपरा का नष्ट करने, उनका भाषा को नहीं समाप्त कर सका, तो इसीलिए उसको भी हम लोग आदिवासी का परंपरा और उनका सरना स्थल को बचाने के लिए भी एक कदम उठाया। उसका साथ साथ ये भी कदम उठाया झारखंड में आदिवासी के साथ साथ मूलवासी का भी हर गांव में अपना धार्मिक स्थल है, ये सरकार हर मूलवासी का भी धार्मिक स्थल को सुंदरीकरण और सुरक्षा करेंगे, ये गारंटी कर दिया।